जो भी चाहिए उसके लिए फिर और कर्म करो, और मेहनत करो, और अच्छा करो। तो दूसरा लक्षण बताया गया दया, कि जितना हो सके मदद, जहां कर सकते हो वहां करो। मैं अभी भी कहती हूँ, जान में जोखिम में कोई नहीं डालता अपनी जान जोखिम में, सबको अपनी जान प्यारी है, पर बहुत परिस्थितियां हमारे सामने आती जहां हम सहायता कर सकते हैं फिर भी नहीं करते, तो वो सहायता करिए। तीसरा लक्षण है पवित्रता, खुद पवित्र रहें, अपने आसपास पवित्रता रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें। देखिए, घर में जितनी सफाई होगी उस घर में उतनी लक्ष्मी आएगी, जिस घर में जितनी गंदगी होगी उस घर में उतनी दरिद्रता आएगी। तो तीसरा लक्षण है पवित्रता। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। अब बाहर से तो चमक धमक है ही, मन उतना ही गंदा, वाणी उतनी ही गंदी, विचार उतने ही गंदे, बाहर से कितना ही चमक ले, अगर आप अंदर से साफ सुथरे नहीं है, आपका मन अच्छा नहीं है, आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आपके विचार अच्छे नहीं, तो चमक धमक का कोई फायदा नहीं है। किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचो, और अगर आप कहें इतना समय नहीं हमारे पास कि हम बैठकर 100 बार सोचें, तो एक बार इतना सोच लेना कि जो कहने जा रहे हो अगर वही कोई आपसे कहेगा आपको कैसा लगेगा, और अगर आपको लगे कि मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे से भी मत कहना, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। थप्पड़ अमीर को मारो कि गरीब को, दोनों को जोर से लगता है, ऐसा थोड़ी एक को जोर से लगता है, एक को तो आदत है। तो अगर जो चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी वो दूसरे को भी कौन अच्छी नहीं लगेगी, उसको भी तकलीफ ही होगी ना। और याद रखना, ये दुआएं बद्दुआएं कैसे काम करती है, दुआ क्या है, आपने किसी का भला किया, उसने आपको दिल से दुआएं दी। अब कई बार यहां कई लोग बैठे होंगे जिनके साथ ये होगा, कोई बड़ा संकट आता है, एकदम बारीकी से आप बच जाते हैं, और हम कहते ना बाल बाल बच गए, बड़ा संकट छोटे में टल गया। बहुत बार लगता है कि यहां तो कुछ भी हो सकता था पर बच गए। कैसे बच गए? किसी ने, आपने किसी का बहुत भला किया था, उसने आपको दिल से दुआएं दी थी, उस दिन वो दुआएं आड़े आ गई। वैसे ही बद्दुआएं काम करती है, कि मान लीजिए आपने किसी कार्य के लिए बहुत काम किया है, अब वो कार्य सफल होने ही वाला है, आपको लग रहा है अब बस सब सब ठीक हो रहा है, और अचानक से सब बिगड़ जाता है, और आपको लगता है अभी तक तो सब ठीक था, ये क्या हो गया, ये आपने किसी का बहुत दिल दुखाया था और वो कुछ कर नहीं पाया था, शायद इसलिए उसने दिल से बद्दुआएं दी थी आपको, उस दिन वो बद्दुआएं आड़े आ गई और आपका बनता बनाया काम बिगड़ गया। तो जैसा मैंने कहा, चीजें घूम कर, वहां सिस्टम बहुत अच्छा है, यहां जैसे नहीं चलता, वहां पर, वहां सब सिस्टमैटिक काम होता है, एक एक कर्मों का हिसाब हो रहा है वहां।